अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप कैसे आई, गजाला कैफे की एंट्री कैसे हुई? कितना निदा, हर दफा यही सवाल होते हैं कि कहाँ से आई और कैसे आई। और वही कॉलेज में थी और मैं शमा का हो रहा था दौर, और उस वक्त बजिया तलाश कर रही थी। बजिया हमेशा से यही होता था कि जब अपने ड्रामे करने होते थे तो उनको नई कोई नया चेहरा चाहिए होता था। आजकल लोग बेटों के लिए बहुएं ढूंढने के लिए ऐसे करते हैं जिस तरह, वैसे उस जमाने में राइटर्स अपने ड्रामे की हीरोइन और हीरो ढूंढने के लिए बिल्कुल ऐसे ही करते थे। जो लड़की देख ली, मतलब ये क्योंकि मुझे पता है मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ उस दौर में रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही ढूंढी जाती थी हीरोइन। इत्तफाक है कि शकील साहब को ही अप्रोच किया था पहले बजिया ने। अच्छा। हाँ, शमा के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि ये बड़े एक्टर थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई नई चेहरे वाली लड़की के साथ काम नहीं करूंगा जो नया मैं जानता नहीं। और वाकई में मुझे कोई जानता भी नहीं था उस वक्त। तो खैर, जावेद शेख का सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। जब ऑन स्क्रीन इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो इन्होंने बजिया को आके कहा कि रिप्लेस करें, बजिया ने कहा अब नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि उस जमाने में फिल्मों में काम करना मायूब समझा जाता था और परमिशन नहीं मिलती थी, वो तो इनके पेरेंट्स ने इनके ऊपर ही कह दिया ना, डाल दिया। आपको कैसे परमिशन मिली ड्रामे में काम करने? नहीं मिल रही थी, वो बजिया ही की वजह से मिली। घर आई क्या? वो घर आई, मिली मेरे वालिदैन से और उनसे बात की, मदर से भी और फादर से भी। खैर, मैंने सुना तो आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी उसमें। बहुत फारिग थी उर्दू मेरी, बहुत फारिग थी। ट्रेनिंग हुई पूरी। जैसे अभी आपने कहा ना, कि शुरुआत, लेकिन अगर आप उर्दू में कहने जाएंगे तो इब्तिदा, इब्तिदा के दौर में तो अब इतना सारा, इतना नॉलेज नहीं था उर्दू के बारे में, इतना सब कुछ के कैसे बोला, तो सीन काफ का भी थोड़ा सा था प्रॉब्लम। तो वो सारा बजिया ने मुझे ट्रेन किया है कि अम्मी अब्बू से कैसे परमिशन ली। सबसे अहम बात तो ये है कि जरा बच्चियों को भी पता चले कि अम्मा अब्बा से कैसे परमिशन लेनी है। अम्मा फिर भी मान गई थी, लेकिन अब्बा बिल्कुल राजी नहीं थे। वो अब्बा मेरे फादर मरहूम ये कहते थे कि नहीं, यहाँ हम रहते हैं, लोग कैसी बातें करेंगे और यहाँ से जाना आना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बजिया फिर बजिया थी, उन्होंने सबको मनाया कि बेटा, और इतने सादा लोग थे उस वक्त, सोचो निदा, कि उन्होंने कहा मैं इसका नाम बदल लूंगी, ठीक है, इसका नाम हम बदल लेंगे, मेकअप होगा, चेहरा बदल जाएगा, लोग नहीं पहचानेंगे। अब वो सादगी देखो मेरे फादर की, कि उन्होंने कहा अच्छा भाई कितना बदल जाएगा आपका चेहरा, कितना बदल जाएगा, लेकिन वो मान गए। नाम नहीं बदला, मतलब नाम बदला मेरा। घर में मुझे राहिला के नाम से बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन वैसे मेरा नाम गजाला है, बाय बर्थ जो नाम रखा जाता है। हाँ। वो गजाला ही था, वो गजाला ही था। तो आपने फिर वो टीवी का नाम भी गजाला ही रखा? टीवी का नाम मैंने गजाला, मुझे अच्छा भी वही लगता था। लेकिन बस वो घर वालों ने बदला था मेरा नाम, तो वो चेंज नाम के साथ फिर चलती रही, और दो नाम बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और नाम था इनका, राहिला। शुरू में हम इनको राहिला ही कहते थे, हालांकि नाम इनका बदल के गजाला रख दिया गया। जी, जी। नाम अच्छा, आपका नाम शमा मशहूर हो गया। हाँ, उसके बाद बिल्कुल राहिला और गजाला पीछे रह गया, शमा आ गया। आज भी बुलाते हैं, आज भी। हाँ, बिल्कुल। रातों रात स्टार बन गई है। वो दौर ऐसा था, ये दौर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत स्ट्रगल करती है तब जाके वो अपना अपनी पहचान करा पाती है। उस जमाने में ये होता था कि एक पीटीवी था और उस पे एक खास टाइम था, 8 से 9 प्ले चलते थे। तो उसमें जो भी अपीयर करता था वो जाहिर है अपना नाम बना के जाता था वहाँ। अच्छा, यहाँ शमा से आप रातों रात स्टार बन गई। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.